एमसीडी चोणां नूं लै के असीं आम आदमी पार्टी दे आगुआं नाल गल कर लई, बीजेपी दे आगुआं नाल गल कर लई, हुण गल करदे आं कांग्रेस दे आगुआं दे नाल। ते कांग्रेस पार्टी एमसीडी चोणां विच भावां हार गई है, पर पार्टी नूं अपनी हार दे दुख नालों ज़्यादा आम आदमी पार्टी दी हार दी खुशी शायद ज़्यादा लग रही है। इसे लई पार्टी दे आगू आप दी हार बारे वधेरे चर्चा कर रहे ने। कांग्रेस दा पक्ष वी जाणदे आं इस वेले साडे नाल फोन लाइन ते पंजाब कांग्रेस दे विधायक डॉक्टर राजकुमार फेरका जुड़े ने। फेरका जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा चक दे टीवी दे विच। सब तो पहले तुहाडे तों इह जानना चाहवांगे, एमसीडी चोणां विच बीजेपी दी जित मोदी लहर है, आप दी हार है, जां फिर कांग्रेस दी टुट भज दा असर है? ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है जी। और लोगों ने आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किया है जी। और ये जरा बदल जिसने मिला है, ये एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की आम आदमी पार्टी सरकार है, उसके खिलाफ एक माइंडेड हैगा, उसके खिलाफ माइंडेड हैगा जरा फ्रॉड कर रहे हैं। केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे पूरे देश भर के अंदर, और वो कितना कितने लोगों ने उन्होंने नकारिया है, और ये साबित कर दिता कि जिंदगी की नकारी हुई सरकार और नकारिया नहीं सरकार। तुसी आप दे खात्मे दी गल कर रहे हो, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत दी गल कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें कोई छोटे से छोटा वर्कर भी जाता है तो मन के अंदर पीड़ा होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन चिंता ना करो, कुछ लोग जड़े है वो वक्त की राजनीति कर रहे हैं और शायद अपने फायदे नुकसान को सामने रख कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दीवानिया की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक जड़ा नाल जुड़ी हुई पार्टी है, और आने वाले टाइम पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से उभरेगी, और पार्लियामेंट के इलेक्शन आएगा और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली विच ए चोणां तो पहला कांग्रेस दे विच जो टुट भज हुई है, वो हार तो पहला ही हथियार सुटन वाली स्थिति नहीं सी? जरा जरा मोदी साहब ने जिन्ना झूठ बोलिया, जिन्ना फ्रॉड किया है, ये लोग जगजार होगा, एक सरकार अपने भारत के नाल बड़ी बुरी तरह डिगेगी, और आने वाला टाइम जरा है जिस तरह केजरीवाल का जरा है फ्रॉड सामने आया और लोगों ने उन्होंने नकार दिता, हम बड़ी जल्दी मोदी ने भी लोग नकार देंगे। वीरका जी, कांग्रेस पार्टी भी की आप वांग ईवीएम नु ही दोषी मानती है? नहीं नहीं भाई, ऐसी बिलीव नहीं करते इस चीजें, पर अभी कहने की वो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वीरका जी, चक दे टीवी दे नाल जुड़न दे लई, तमाम जानकारी साडे दर्शकां तक पहुंचाउण दे लई।